हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली ईआरपी 9 की है। ईआरपी 9 में आपको एक खास बात बताना चाहता हूं कि आपको जब भी देखिए, अगर आप पेमेंट करने जाते हैं और आपके पास कैश नहीं होता है और फिर भी आप ज़बरदस्ती एंट्री पास कर देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको आता है एक एरर, आपके साथ होती है एक दिक्कत, वो होती है नेगेटिव कैश की। अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे अगर आपने कर दिया, और को नहीं क्यों नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आज बताऊंगा। तो चलिए, परचेस वाउचर में जाने के लिए F9 प्रेस कर दिया है और यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर आपको सप्लायर एक इनवॉइस नंबर देगा, उसमें आपका बिल का पूरा डिटेल होगा। तो वहां पर हम आ जाते हैं और ये वो डेट है जिस डेट पे होगी परचेजिंग। और मान लीजिए कि खरीदारी अगर जो है उधार में हो रही है, तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी का नाम आएगा। तो ये क्रेडिटर पार्टी हमारी रितेश सी जो किया है मैंने, ये क्रेडिटर पार्टी है। और ये सी समझने के लिए लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए कि जो है सी का मतलब यहाँ क्या है। सी का मतलब क्रेडिटर से है। और यहाँ मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इसको चालू रखना है आपको, ठीक है। बस एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। स्टेट सेम है हमारा, एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए। यहाँ पर आते हैं, जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे स्टॉक आइटम हम अल्ट सी करके बना सकते हैं। तो अल्ट सी करेंगे तो स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे पर्टिकुलर नजर आ रहा है, तो हमें इसे पहले चेंज करना है आइटम इनवॉइस में। तो देखिए, आपको ऑल्ट के साथ आई प्रेस करना है, तो आइए आइटम इनवॉइस मोड में बदल जाएगा और फिर आप आ जाइएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक परचेस का लेजर लगाना है, PURCHASE। तो यहाँ पे परचेस का लेजर हम लगाएंगे, इसका ग्रुप हमेशा परचेस अकाउंट ही होता है, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे तो स्टॉक आइटम का नाम आप दे पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे राइस दे दिया, एंटर किया एंटर किया। यूनिट बनाना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी, यहाँ पे केजी कर देंगे, यहाँ पे किलो KILO और यहाँ पे GRAM ग्राम, और एंटर करेंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, एंटर करेंगे एंटर करेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 50 किलो की बात हो रही है और 1 किलो राइस की कीमत कितनी है, मान लीजिए ₹50 है खरीद रेट, तो ये हो गया, ठीक है। और फिर कोई दूसरा स्टॉक आइटम है, जैसे मान लीजिए पल्स है, PULSE पल्स हो गया, एंटर किया एंटर किया। ये केजी में ही बिकेगा या खरीदा जाएगा, तो यहाँ पे 30 किलो पल्स की बात हो रही है और 1 किलो पल्स का खरीद रेट जो है ₹90 है, तो यहाँ पे डाल देते हैं ₹90, ठीक है। तो ये 90 डाल दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रेड चिली पाउडर की बात है, तो ये रेड चिली पाउडर है, ठीक है, ये हो गया रेड चिली पाउडर। और ये पैकेट वाइज बिकेगा, तो यहाँ पे पैकेट कर देते हैं PKT। PKT का मतलब पैकेट से है, और यहाँ पे पैकेट चाहे जितने का आता हो, तो यहाँ पे ये कर दिया, एंटर करेंगे एंटर करेंगे एक्सेप्ट कराएंगे, तो ये हो गया। अब यहाँ पर बात हो रही है कितने पैकेट्स की, तो यहाँ पे मान लीजिए 10 पैकेट की बात हो रही है और एक पैकेट कितने का है, 40 का है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये हो गया, ये सारी चीजें हो गई, हमने परचेस कर लिया। इसमें कोई GST फिलहाल मैं नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है कुल मिलाकर इसलिए है क्योंकि नेगेटिव कैश को कैसे एडजस्ट किया जाए और क्यों नेगेटिव कैश वाली दिक्कत हमें आ जाती है, नेगेटिव कैश वाली दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करना है आपको, यहाँ से अब पेमेंट के लिए चलना है। तो हम पेमेंट भी तो करेंगे, हमने परचेस कर लिया है तो उसका पेमेंट करना जरूरी। तो पेमेंट की शॉर्टकट की होती है F5, और यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आता है क्रेडिटर पार्टी का लेजर। तो देखिए, क्रेडिटर पार्टी का ₹5,600 बकाया है, तो चलिए दे देते हैं यहाँ 5,600। जैसे ही हम डालेंगे तो यहाँ पर ही अगेंस्ट रेफरेंस वाली विंडो आती है। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल उसको यस रखा, ठीक है। एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आएगा कैश, ठीक है। तो जैसे यहाँ कैश लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये नीचे जो है रेड में आ जाता है, और इसको अक्सर आप अवॉइड कर जाते हैं, और ये अवॉइड करने का परिणाम ये होता है कि आपका पूरा टैली जो है, टैली की एंट्री बेकार हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको एंट्री, ऐसी एंट्री नहीं करनी है। दूसरी चीज, अगर आप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो पहले रिसीव कराएंगे पैसा, उसके बाद करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कर दिया तो क्या करेंगे, तो ये देखिए ये नीचे नेगेटिव कैश आ गया, यहाँ पर देखिए आपको शो भी हो रहा है कि ये नेगेटिव कैश है। तो अभी क्या करेंगे, तो अभी आप ये कर सकते हैं कि आप इसी डेट पर पैसा रिसीव करा दीजिए। तो कैसे रिसीव कराएंगे, तो F6 प्रेस करेंगे, और F6 प्रेस करके यहाँ आएंगे तो यहाँ पर देखिए कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल के नाम से जाना जाता है, और उसी पैसे से ये खरीदा जाएगा सामान। भाई हम उत्पादन तो करते नहीं है, प्रोडक्शन तो करते नहीं है हर एक चीज का, चाहे रेड चिली पाउडर हो, चावल हो, दाल हो, हर एक चीज का प्रोडक्शन संभव नहीं है। तो हम होलसेलर पार्टी से संपर्क करते हैं, वो हमें वो सारी चीजें अवेलेबल करवाता है सस्ते दामों में, और हम थोड़ा सा दाम बढ़ा के बेचते हैं, तो वो बीच का जो प्रॉफिट होता है वही हमें मिलता है। तो यहाँ पर ये कंपनी में लगाया जाने वाला फंड है, जिसे कैपिटल अकाउंट कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल अकाउंट का लेजर हम बना रहे हैं, और इसका ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही होता है। तो बस ये कर देना है आपको। और मान लीजिए कि हमने 50,000 या 5 लाख जो भी कैपिटल है वो यहाँ रिसीव करा दिया, जितना भी कैपिटल है, ठीक है, और ये कैश में करा दिया, एंटर किया एंटर किया। अब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी एंट्री आपको एडजस्ट मिलेगी, यानी जो रेड में आ रहा था
वो अब गायब मिलेगा। तो ये हमारी एंट्री थी, और जो पेमेंट पेमेंट किया था हमने, तो ये तो थी कैपिटल वाली एंट्री, इससे बाहर आते हैं। और ये है, ये देख सकते हैं, ये पेमेंट वाली जो एंट्री है ये आपको रेड में उस समय शो हो रही थी, लेकिन अभी ये रेड में शो हो रही है क्या? देखिए पेमेंट वाली एंट्री है ये, अभी तो रेड में शो नहीं हो रही, यानी आपका कैश पूरी तरह से एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो आपको यही करना है हर बार। अगर आप नेगेटिव कैश, तो गलती नहीं करनी है ये वाली नेगेटिव वाली, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर गलती कर भी दिया तो उसे एडजस्ट करने के लिए आप बैक डेट में जाकर के और कैश रिसीव करा करके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सब्जेक्ट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।